beautiful. So elegant, just looking like the wow. तो गाइस आज हम जा रहे हैं शादी में. किसकी शादी है बताइए? ताई की फ्रेंड की सिस्टर की. मेरे को क्यों लेके जा रहे? तो फिर आप घर पे अकेले थोड़ी रहोगे. तो बताना गाइस कैसे लग रहे हैं? हम हो गए हैं तैयार इधर से. इसको भी मैडम को भी बताना. बड़ा सुंदर लग रहा है सूट तो. अच्छा लग रहा है. तो अभी सबसे मिलवाती हूँ. हम तो बस पहले तैयार होके बाहर खड़े हो गए. उनको लग रहा है टाइम. मैंने कहा चलो इतने हम वीडियो बना लेते हैं ना. तो कितने बजे तक आ जाएंगे? कितने बजे तक? हम 9 बजने वाले हैं. 10:15 तक आ जाएंगे. चलो जी अब बाकी सबसे मिलवाते हैं आपको. बहुत सुंदर लग रहे हैं. अभी लिए थे. और ये छोटी वाली है और इधर हो गई है तैयार. हेलो इसकी बड़ी बहन. हेलो गाइस मैंने भी न्यू कपड़े पहने हैं. मैंने भी शादी में जाना है. तो आपका भी बहुत सुंदर लग रहा है. थैंक यू. चलें फिर वहाँ जाके दिनचर्या करेंगे जो भी होगा. हाँ वहाँ पे दिखाएंगे आपको जैसे भी शादी का जो भी है ना. हेलो मैं इसकी छोटी बहन. हम इनके साथ जाएंगे. हम इनके साथ जाएंगे. और ये है मेरे मम्मा. जब ये भी जाएंगे हमारे साथ. पर वो है इसके पापा जो हमारे साथ नहीं जाएंगे. अब निकला पड़ा. और सारे सुंदर लग रहे हैं. बच्चों ने देखो कितना शोर मचा रखा है. दीदी दीदी बोल दे. तो गाइस हम पहुंच चुके हैं शादी में. सबसे पहले स्टॉल लगी हुई है गोलगप्पे की. इधर है टिक्की छोले और इधर दही बल्ले. अच्छी लग रही है ना. मशरूम इधर पालक पनीर और ये क्या नानी? ये शाही पनीर है. शाही पनीर और इधर मिक्स वेज. और इधर है ये शेक. अब अच्छा मैं भी भदौरिया. और ये मेरी बहन की जिठानी की बेटी. और ये इनकी बेटी. कहाँ से कहाँ मिलन हो जाता है. गाइज गुड इवनिंग. आज मैंने व्लॉग की शुरुआत तो नहीं की. वो आपको मम्मी ने करी है शुरुआत वहाँ राजस्थान से. मैं सुबह व्लॉग नहीं कर पाई. बहुत जल्दी मैं सारी चीज़ें करके मैं फटाफट स्टोर चली गई थी. मुझे टाइम ही नहीं मिला शूट करने का. लेकिन हाँ मैं एंडिंग ज़रूर इस व्लॉग को दूंगी आज. और एंडिंग वैसे मम्मा करते आज मैं कर रही हूँ. एंडिंग के साथ मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी भी घर आई हूँ और रात के बज रहे हैं पूरे 9:50. 10 बज चुके हैं. और अब मैं आके मैंने चेंज ही किया है. फेस वगैरह वॉश कर लिया. अब मैं जाऊंगी किचन में कुछ बनाने. पापा खाने से बिल्कुल मना कर रहे हैं. अभी कुछ उनका मन नहीं है. शायद उन्होंने लेट ही खाया होगा खाना. और मैं जो है अभी कुछ बना लेती हूँ अपने लिए जो भी खाना है. उसके बाद फिर वीडियो एडिट करेंगे और आइए आपको पापा से मिलवाते हैं. हेलो क्या कर रहे हो?
ये ब्लैंकेट को इस पे क्यों ले रखा है? ठंड की वजह से सॉक्स पे तो ऊपर ही बैठ जाओ बेड पे। नहीं कोई, अब आपके लिए हमने नया बेड खरीदा है तो आप बैठोगे भी नहीं? क्या हुआ आपको आज? पापा को आज चोट लग गई? चोट नहीं, चोट मतलब कि चोट ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि झटका लगा है घुटने में, झटका लग गया घुटने में, झटका लग गया और बहुत बुरी तरह से झटका लग गया। आप देखो सुबह आज दोपहर को आज पट्टी करा कर आए, ये देखो पूरा टाइट फिटेड है, पूरा पैक कर रखा है। तो और ये कैसे लगा झटका? कहीं पैर ऊपर नीचे पड़ गया होगा, पता नहीं ऐसे कैसे, क्योंकि प्लेन है हमारा घर तो ऊबड़ खाबड़ है, स्टेयर्स भी नहीं है, तो परेशान हो रहे हैं कल से। कल रात से ही थोड़ा सा परेशान थे, आज जाके हार के पेन नहीं बर्दाश्त हुआ तो पट्टी करा कर आए डॉक्टर से। क्या बोला डॉक्टर ने? परसों दिखाइए देखेंगे। तो परसों फिर से बुलाया, कोई दवाई भी दी खाने की? खाने की दवाई नहीं दी है, सिर्फ पट्टी करके मालिश करके पैक कर दिया है घुटना। तो अभी खाना नहीं खाना आपने? किस टाइम खाया था? दोपहर को एक रोटी, शाम को खाई थी। अच्छा शाम को एक रोटी खा ली थी तो तभी आपको भूख नहीं है? कुछ और मन है खाने का? दाल वगैरह बना देती हूँ। तो बस पापा तो मन नहीं करा खाने का, मैं एक दो जो भी, क्योंकि मैं लंच तो करती नहीं, मैं रात को डिनर ही करती हूँ, देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। चलते हैं किचन में। किचन में आ गए हैं दोस्तों, किचन एकदम क्लीन है, सिर्फ ये दूध का बर्तन है जो शायद पापा ने गर्म किया होगा, शाम को चाय वाय बनाई होगी। और ना मेरे पास ये पड़ी हुई है गोभी कद्दूकस की हुई, सुबह मैं इसके पराठे बना के गई थी ना, और आटा पड़ा है, मैं सोच रही हूँ इसी के एक दो रोटी बना के पराठे बना के वही खा लेती हूँ। मैं अपने लिए स्पेशल क्या सब्जी बनाऊंगी तो इसको करके फिर होते हैं खाने की तैयारी। सो गाइज मैंने खाना वाना खा लिया है और मैं आ गई हूँ रेस्ट के लिए बेड पे, और अब जो है मम्मी से भी बात हो गई है। मम्मा संडे तक, मोस्ट प्रोबेबली संडे तक आ जाएंगे, बहुत दिन हो गए मम्मा को गए हुए, अब ना मन नहीं लग रहा, अब ऐसे हो रहा है कि बस जल्दी से आ जाए, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उन्हें। पापा भी, पापा को तो आज ना दिक्कत हो रही है घुटने में, बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, तो पापा तो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैं भी कर रही हूँ, बट मैं ना सारा दिन घर से बाहर रहती हूँ, ऑफिस में रहती हूँ, तो मुझे ना इतना ज़्यादा फील सुबह और शाम को ही होता है जब मैं घर आती हूँ, जब वो नहीं दिखते, लेकिन पापा सारा दिन घर होते हैं तो उनको ज़्यादा फील होता है, तो आप तो समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस जल्दी से मम्मी आ जाएं, फिर हमारा जो है अलग ही व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनके आने की वेट मुझे बहुत बेसब्री से हो रही है। और अब मैं व्लॉग को एडिट कर रही हूँ और उसके साथ एंड करके आपको थोड़ी देर व्लॉग मिल जाएगा। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगे, कुछ भी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।